गुड मॉर्निंग क्लास थ्री स्टूडेंट, आई एम स्टार्टिंग योर 12th चैप्टर ऑफ इंडियन विलेज. इंडियन विलेज, ओके. तो आइए हम बात करें इंडियन विलेज के बारे में कि यहाँ पे कैसे गांव है और गांव में कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं. कहते हैं इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, इट कॉन्सिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ विलेज, टाउन्स एंड सिटीज. यहाँ पर क्या है, बहुत मात्रा में बहुत सारे गाँव, टाउन, बड़े शहर और छोटे शहर दोनों ही हैं. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, क्लीननेस, गुड रोड्स एंड हॉस्पिटल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर. चूँकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं तो इनके रख रखाव की, इनके स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएँ भी करनी पड़ती हैं. कहता है फॉर इफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन अ सिस्टम ऑफ लोकल बॉडीज हैज़ बीन डेवलप्ड. द मेंबर ऑफ द लोकल बॉडीज आर चूज बाय द पीपल लिविंग इन द एरिया इन द विलेज. दिस लोकल बॉडीज आर कॉल्ड द ग्राम पंचायत. तो यहाँ पे जैसे कि पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था कैसे हो, इसके लिए लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे लोगों को चुनते हैं जो कि उनके गाँव में ये सारी व्यवस्थाएँ अच्छे से करवा सके. और इसके लिए ग्राम पंचायत को चुना जाता है, उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं और वे मेंबर अपना काम सुचारू रूप से करते हैं ताकि गांव में किसी को भी कोई भी दिक्कत ना आए. कहते हैं कि गांव में ग्राम पंचायत को बनाया जाता है और शहर में ठीक इन्हीं चीज़ों के, इन्हीं सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए म्यूनसिपल कमिटीज़ की व्यवस्था की जाती है. तो आइए सबसे पहले हम बात करें ग्राम पंचायत की. कहता है एवरी विलेज इन अ कंट्री, इन आवर कंट्री हैज़ अ ग्राम पंचायत. इट इज़ ऑल्सो अ कॉल्ड ग्राम सभा. ऑल मैन एंड वुमेन हु आर 18 ईयर्स एंड अबव द लिव इन दैट विलेज चूज बाय द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत. जो भी लोग गाँव में रहते हैं और जो 18 से ऊपर के हैं वे लोग इन ग्राम पंचायत में जो मेन मेंबर होता है उनको चुना जाता है. ठीक है, ऑल इलेक्टेड मेंबर आर ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द पंच. और ये लोग क्या चुनते हैं, पंच को चुनते हैं. पंच में 5 मेंबर होते हैं. एवरी पंचायत मस्ट हैव अ लिस्ट वुमेन, वन वुमेन, जिसमें एक क्या होती है, एक औरत होती, स्त्री होती है जो कि चुनी जाती है. वन ऑफ द मेंबर इज इलेक्टेड टू वर्क एज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत. दिस पर्सन इज कॉल्ड द प्रधान और सरपंच. और इसमें एक मेंबर जो मेन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सरपंच के नाम से जाना जाता है. आइए देखते हैं इसके कार्य क्या क्या हैं. तो इसके कार्य क्या है, ये मेनली कार्य करता है वेलफेयर ऑफ द विलेज एंड टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द विलेजर. ये गांव के विकास के लिए और गांव के लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है. द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत मीट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिस्कस एनी डेट प्रॉब्लम. और ये लोग बैठक करके ये बातें करते हैं कि क्या गाँव में कमी है और इस कमी को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए उन्हें कहाँ कैसे क्या व्यवस्था करनी होगी. तो ये लोग क्या क्या करते हैं, ये लोग गाँव को स्वच्छ रखते हैं, क्लीनिंग इन द विलेज, डिगिंग वेल्स फॉर ड्रिंकिंग, ओके, कुएं खुदवाए जाते हैं ताकि किसी को भी पानी की कमी ना हो, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ रोड, और रोडों के जैसे रोड कहीं टूट गया तो उसकी रिपेयरिंग हो, स्ट्रीट लाइटिंग सारी गली मोहल्ले में क्या हो, लाइट की व्यवस्था हो, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके. उसके बाद कहता है सेट ऑफ हेल्थ सेंटर. लोग जो बीमार पड़ते हैं गांव में वो शहर में तुरंत तो जाएंगे नहीं, तो इसके लिए भी उन लोगों को हेल्थ सेंटर की व्यवस्था करनी होती है. हेल्पिंग फार्मर फॉर बेटर ग्रो, जो फार्मर्स वहां पे रहते हैं उनकी जो फसल होती है वो कैसे अच्छी पैदावार हो, इसके लिए भी वो लोग उनकी हेल्प करते हैं. तो ये सारी वर्क कौन करता है, ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत में जो भी मेंबर होते हैं वे लोग इस कार्य को करते हैं. और इस कार्य में जो भी हेल्प चाहिए होता है सरकार से तो वो लोग कहाँ जाते हैं, सरकार के ब्लॉक में जाते हैं और वहाँ पे अपनी समस्याओं को रखते हैं कि हमारे घर, हमारे गांव में ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं तो हमें क्या किया जाए, हमें ये सारी व्यवस्थाओं के लिए या तो मनी प्रोवाइड किया जाए या कुछ खुद ही जाकर के आप देखें और जो भी व्यवस्था हो वो करवा दें. आइए हम आते हैं म्यूनसिपल कमेटी के बारे में. ये तो गाँव की बात हुई, गांव में जो चीज़ चाहिए उसके लिए ग्राम पंचायत उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, और शहर में जो चीज़ चाहिए उसके लिए म्यूनसिपल कमेटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. कहता है कि म्यूनसिपल कमेटी भी सेम ऐसे ही होता है, एक काउंसलर होता है जो कि म्यूनसिपल कमेटी के मेंबर उसे चुनते हैं, और एक चेयरपर्सन होता है जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं, जो म्यूनसिपल कमेटी का हेड होता है.
और ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों का कार्य क्या है, सेम कार्य है उनका भी, जैसे कि पंचायत का कार्य था वैसे ही म्यूनसिपल कमेटी का कार्य है। ये भी शहर को साफ सुथरा रखते हैं, यहाँ पे पानी की व्यवस्था कराई जाती है, यहाँ भी रोड्स बनवाए जाते हैं और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करवाई जाती है, यहाँ भी अच्छे प्राइमरी सेंटर, हेल्थ सेंटर और डिस्पेंसरी की व्यवस्था करवाई जाती है, जो बच्चे 14 साल से कम के हैं उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था करवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद बच्चे कब जन्म ले रहे हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाया जाता है, ओके। और जो भी मतलब शहर में चाहिए, जैसे मार्केट्स है तो मार्केट्स में मतलब कहाँ पे लाइट्स चाहिए, कहाँ पे किसको क्या चाहिए, तो ये सारी व्यवस्था म्यूनसिपल कमेटी के मेंबर्स करते हैं। आइए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है, कहते हैं कि इन ये तो हुई म्यूनसिपल कमेटी हुई टाउन की बात, ठीक है, जो छोटे शहर होते हैं जैसे कि हमारा हाजीपुर, इट इज़ अ स्मॉल टाउन, लेकिन बिग सिटी जैसे कि मुंबई, कोलकाता, तो ये बिग सिटीज़ हुई, तो इसके लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की व्यवस्था की जाती है। किसकी व्यवस्था की जाती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की व्यवस्था की जाती है। उसके इसमें एक मेयर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक चेयरमैन होते हैं, तो यहाँ उसे उन्हें मेयर कहा जाता है, ठीक है, और वो भी वैसे ही कार्य करते हैं जैसे कि म्यूनसिपल कमेटी के मेंबर कार्य करते हैं। कहता है इंडियली देयर वेयर ओनली 4 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि बड़े शहर यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, ओके। नाउ मेनी अदर लाइक बैंगलोर, मेरठ, नागपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, कानपुर, पटना, अमृतसर, चंडीगढ़, इट इज ऑल्सो हैज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो आपने देखा कि छोटे शहर, छोटे गांव जो होते हैं, गांव के लिए पंचायत की व्यवस्था की जाती है, जबकि छोटे शहर के लिए म्यूनसिपल कमेटी की व्यवस्था कराई जाती है, और बड़े शहर के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की व्यवस्था कराई जाती है, और सारे में मेंबर जो होते हैं वे मतलब वहाँ के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं और वहाँ के लोगों की वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, उनके कम्फर्ट के बारे में वो लोग कार्य करते हैं, ताकि वहाँ के रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो यही था आपका चैप्टर 12 इंडियन विलेज। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।